हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। आई होप आप समझ चुके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आपको मैं पूरी जानकारी बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे योग्यता मांगी गई है। तो आपको क्या करना है कि आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे छात्रावास व्यवस्थापिका एवं असिस्टेंट वार्डन की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे कुल वेतन भी देख सकते हो, 25,000 से लेकर 40,000 यहाँ पे वेतन दिखा रहा है। 25 के से लेकर 40,000, यानी कि 25,000 से लेकर 40,000 तक। और यहाँ पर वैकेंसी के लिए पूरी चीज़ें आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे महिलाओं की अति विशिष्ट शिक्षण संस्था को छात्रावास हेतु आवश्यकता है। यहाँ पे छात्रावास व्यवस्थापिका असिस्टेंट वार्डन कुल वेतन 25,000 से 40,000 यहाँ पे रहने वाला है। योग्यता स्नातकोत्तर अथवा स्नातक बीएड सहित आवासीय शैक्षणिक संस्थान में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है फॉर्म अप्लाई करने से पहले, जो भी योग्यता मांगी गई है। यहाँ पे मैटर्न यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कुल वेतन 15,500 से 25,000 होगा। योग्यता स्नातक मान्य आवासीय विद्यालय संस्थान के छात्रावास में मैट्रन पद पर 3 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है। महंगाई एवं अन्य भत्ते विद्यापीठ के नियमानुसार होंगे। अनुभव एवं योग्यता के आधार पर वेतन घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, अथवा निश्चित वेतन पर भी नियुक्ति की जा सकती है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विद्यापीठ में कार्यरत व्यवस्थापिका को छात्रावास में ही रहना होता है, अतः अपने परिवार के किसी भी सदस्य को साथ रखने का प्रस्तावन नहीं है। आप अकेले ही यहाँ पे रह सकते हैं। आदतन खादी पहनना अनिवार्य है। यहाँ पर जो वस्त्र हैं खादी, आदतन खादी पहनना अनिवार्य, वो आपको पहनना पड़ेगा। आयु 25 वर्ष से लेके 45 वर्ष यहाँ पे बताई गई है। 25 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे केवल महिला प्रत्याशी ही पात्र हैं, मतलब कि यहाँ पे केवल जो वैकेंसी है वो केवल महिला के लिए निकली हुई है। और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, पारिवारिक दायित्व आदि की पूरी जानकारी सहित प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन 3 सप्ताह या तक या इससे पूर्व मंत्री वनस्थली विद्यापीठ पोस्ट वनस्थली विद्यापीठ 30-44-22 जो वहाँ का पोस्ट ऑफिस पिन कोड है, राजस्व को मिल जाना चाहिए। आवेदनकर्ता निर्धारित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट वनस्थली.org डाउनलोड से डाउनलोड कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ का फॉर्म डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कैसे पोस्ट करना है। तो यहाँ पे जो एड्रेस दिया है वहाँ पे आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको आवेदन करना है। तो आप लोग देख सकते हैं वनस्थली.org की वेबसाइट पर जब आप लोग जाएंगे, तो वहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे विभिन्न गैर शिक्षक पदों के लिए भर्ती, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आवेदन फॉर्म है उसको कैसे भरना है। तो यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, इस पर आपको आवेदन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा फॉर्म और आपको पूरा फॉर्म भर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे आवेदन करने के लिए फॉर्म, यहाँ पे ऐसे फॉर्म फिलअप होने के लिए आएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को नॉन टीचिंग जो पोजीशन है, यहाँ पे अपनी पोस्ट यहाँ पे लिखनी है आपको, जो भी आप जहाँ पोस्ट हो आपकी। और उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो साइज यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में, फिर अपनी मदर का नेम और फादर का नेम, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है अपनी, और आपको जो मैरिटल स्टेटस है यस या नो, जो भी चीज़ें हो आपको यहाँ पे फिल करनी है। आपको नेशनलिटी, डोमिकल, डिपार्टमेंट इन सर्विस, प्रेजेंट, डिजाइनेशन, कैटेगरी यहाँ पे आपको अपनी डालनी है। इसके बाद आपको इंग्लिश में आपको एड्रेस और पिन कोड, यहाँ पे हिंदी में एड्रेस और पिन कोड आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ब्लॉक लेटर्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको यहाँ पर अपनी पूरी जो डॉक्यूमेंट है आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड, वो 12th हाई स्कूल, ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी, जो भी आपके पास योग्यता हो। पार्टिकुलर चीज़ देखिए, यहाँ पे पूरा यहाँ पे फॉर्म में बताया गया है कि आपको ऐसे पूरा फिल करना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फॉर्म अप्लाई करने से पढ़ लेनी है। यहाँ पे देख लीजिए, पूरी जानकारी आपको सही से पढ़ लेना है। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। ये देखिए, इसके बाद ये
फॉर द यूज ऑफ कैंडिडेट्स इन एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद आपका फॉर्म आपको पोस्ट बाय पोस्ट आपको आवेदन कर देना है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको जॉब्स रिलेटेड और अधिक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।